आपकी स्किन जो है 55 साल की हो गई है, आप वाइटनिंग क्रीम लगा लगा के जो है आपकी स्किन बेजान और डलनेस डल हो गई चुकी है, बिल्कुल आपकी स्किन ख़राब हो जाए। आप 25 साल की दिखना चाहते हैं कि मैं क्या करूं। वाइटनिंग क्रीम लगा लगा के अगर आप बोर हो चुके हो, जो है आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो आपने स्किन के लिए जो है ये रेमेडी लगा सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ट है और बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं उसीमा, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर हाजिर हूँ जो 55 साल की हो चुकी हैं, यानी कि जो 55 साल की हो चुकी वाइटनिंग क्रीम लगाती रहती हैं अपने स्किन पे और उससे आपकी स्किन ख़राब हो चुकी है, तो आप चाहते हो कि मैं ऐसा क्या लगाऊं जो कि मेरी स्किन 25 यानी 30 तक दिखे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम बाउल लेंगे, उसमें लेंगे हम पपाया जेल। मैंने मार्केट का पपाया जेल लिया, आपके पास पपीता हो तो आप उसका भी पल्प ले सकते हो, ठीक है। मार्केट का इसलिए लिया कि हम इसे एक हफ्ते के लिए स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। इतनी ही क्वांटिटी में मैं लूँगी एलोवेरा जेल, आप मार्केट की ही पपाया जेल लेंगे क्योंकि एक हफ्ते के लिए स्टोर कर सके। अगर घर का पपीता वैसे पपीता लेंगे, पल्प लेंगे, तो आपका 3 से 4 दिन के लिए बना के रख सकते हो, ठीक। अब तीसरा इंग्रेडिएंट लेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन मैंने 4 से 5 ड्रॉप लिया है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ये, और जो है ये हमारा जो नाइट क्रीम है बहुत अच्छा है, बनकर तैयार हो चुका है। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, किसी भी कंटेनर में हम इसे कांच के कंटेनर में रख सकते हैं या फिर हम ऐसे कटोरी में रख देंगे फ्रिज में ढक्कन से ढक करके, आप हफ्ते भर के लिए इसे बना के रख सकते हो, ठीक है। मैं इसको जो है एक जो है छोटी सी शीशी मैंने कांच की है, जार है, उसको मैंने धुल के रखा था, मैं उसमें स्टोर कर दूँगी इसको। तो गाइज आप देख रहे वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप पहले मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप लोग वीडियो देखने लग जाते हो तो लाइक करना भूल जाते हो, तो फटाफट लाइक कर लो मेरी वीडियो को। अगर नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो जो 55 ईयर्स उनकी जो रिंकल्स पड़ जाती हैं, झाइयाँ हो जाती हैं, डार्कनेस आ जाती हैं, और जो है वाइटनिंग क्रीम लगा लगा के स्किन डल हो जाती है, बिल्कुल स्किन अच्छी नहीं लगती, ये रेमेडी उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक बार आप ट्राई करिएगा, फिर आपको एक हफ्ते में ना रिजल्ट मिले, मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ, आपको खुद ये पसंद आने लगे, आप अपने नाइट में इसे शामिल करना बहुत पसंद करोगे। तो फिर मैं इसको अपने फेस पे लगा रही, हमेशा जैसे लगाने का तरीका मैं बताती हूँ आपको वैसे ही लगाना। अपने फेस को पहले वॉश करना, अगर मेरी तरह हाउस वाइफ हो तो आपको बर्तन वर्तन धुलने के बाद, साफ़ सफाई करने के बाद किचन, आप हाथ पैर तो मुंह धुलते ही हो, हाथ पैर मुंह ज़रूर धोना, फेस वॉश से धोना ताकि स्किन के जितने डस्ट हो वो निकल जाए, चले जाए। टॉवल से अच्छे से साफ टॉवल से पोंछ लीजिए अपने फेस को, फिर उसके बाद इसको टैप टैप करके पूरे स्किन पर लगा लीजिए। रगड़ना नहीं है, बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, रगड़ना नहीं है। अगर आप रगड़ोगे तो फिर रेडनेस आपका नहीं जाएगा, फिर रिजल्ट नहीं आएगा, फिर आप मुझे बोलोगे कि जो है मेरा जो स्किन की प्रॉब्लम थी वो गई नहीं। तो आपको हल्के हाथों से मसाज करना है, ये स्किन पे आराम से अब्सॉर्ब हो जाता है और कोई चिपचिपाहट नहीं होती है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हो कि मेरे हाथों पैरों में झुर्रियाँ पड़ी या घुटनों कोहनी में काले हो चुके हैं, हाथ भी बहुत डैमेज सा लगता है, तो आप इसे हाथों पैरों में भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं इसे लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये रेमेडी। आप कितनी भी एज की हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। मैं अपने डाइट में रूटीन में कुछ ना कुछ शामिल करती हूँ, फेस पैक से लेकर के नाइट क्रीम से लेकर कुछ ना कुछ मैं होममेड लगाती रहती हूँ, आपके पास शेयर भी करती हूँ। तो गाइस ऐसे आपने नाइट में लगा लेनी है और देखिए आपको एक हफ्ते में 101% आपको रिजल्ट मिलनी है। तो वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आऊँगी एक नए वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू गाइज़।